हौसलाबरी हुई थी तो 3-4 घर लूटे गए थे। इधर वो हमारा इधर जंगलात है, पब्बी का इलाका है, 12:15 हमें इतला मिलती है कि डाकू हमारे नाकाबंदी के बावजूद फलां घर में एंटर हो गए। वो ऐसा गैंग बड़ा ब्रस्ट हुआ है, अब तक हम काफ़ी लोग उनके पकड़ चुके हैं। इसमें पहाड़ी इलाका है तो छुपने की बहुत जगह है, इन एक्शन ही थे उधर ही थे ऑपरेशन के दौरान, तो वो निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं DSP सालमगीर पिछले 6 माह से तैनात हूँ। इससे कबल मैंने गुजरांवाला में ज़िला जंग में और गुजरात सर्विस की है। अब जब मैं इधर तैनात हूँ, वाक़यात तो ज़िंदगी में काफ़ी हुए हैं, सर्विस में मुश्किल से मुश्किल वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब रिसेंटली जो हुआ है वो 5 माह पहले इधर जब मैं आया हूँ, तकरीबन 1 माह हुआ था, तो इधर हौसलाबरी हुई थी, वो 3-4 घर लूटे गए थे। उसमें फौरी तौर पे DPO साहब भी आए, मैं भी मौके पे आया। DPO साहब के ने मुझे हदायत की, उस हदायत पे अमल करते हुए हमने अपने 100 जितने थे उन सब को बुरे कार लाए, अपने तमाम वसाइल को, अपने तमाम ऑफिसर्स को, अपने तमाम कांस्टेबल्स को मैं हरकत में लाया, तमाम को मैंने टास्किंग की। वो अल्लाह ताला ने इतना कर्म किया कि वो टास्किंग सारी हमारे जो मैंने सेलेक्ट की अफसरान और मुलाजमान वो सारे उसमें बड़े इफेक्टिव और बड़े कामयाब रहे। हमने उसी दिन काफ़ी इंफॉर्मेशन उन डाकुओं की हासिल कर ली। इधर वो हमारा इधर जंगलात है, पब्बी का इलाका है, इसमें पहाड़ी इलाका है, इधर छुपने की बहुत जगह है, तो जो जो उनके ठिकाने थे वो हमने तकरीबन तमाम का हमें पता चल गया कि इस जगह पे हैं, और हमने उनको राउंड अप कर लिया। शाम 7 बजे से ले कर हमारी पुलिस और लीड को फोर्स भी साथ थी, मेरे DPO साहब भी तकरीबन हर वक्त मेरे रबते में रहे हैं। हम तकरीबन 7 बजे से ले कर 12 बजे तक रहे हैं। 12:15 हमें इतला मिलती है कि डाकू हमारे नाकाबंदी के बावजूद फलां घर में एंटर हो गए। हम फौरी तौर पे हमने एक्शन लिया है, पहुँचे हैं मौके पे। जब डाकुओं को पता चला है हमारा, तो फौरी तौर पर निकल के भागे हैं, हमने पीछा किया है और फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में हमें रात के अंधेरे में ये मालूम हुआ है कि 4 आदमी जो ज़ख्मी हुए हैं उनके, जो हमें महसूस हुआ कि 4 आदमी गंदम के खेत में गिरे हैं। हम फिर उनकी जब फायरिंग बंद हुई है तो उनकी तलाश में लग गए हैं। हमें तकरीबन 2-3 घंटे बाद एक बंदा मिला है गंदम में से, तो वो ज़िंदा था, ज़ख्मी हालत में था, पैर उसे भी लगा हुआ था। उसे हमने रेस्क्यू किया है, हॉस्पिटल दाखिल करवाया है, और ख़ुद हम उधर ही रहे हैं। सुबह हमने जो ही रोशनी हुई है तो उस खुरे पर फिर हमने मेहनत की है। हम तकरीबन 7-8 घंटे हम मुसलसल पैदल चलते रहे हैं, और तकरीबन सारी पब्बी हमने जितनी हम इतने घंटों में फिर सकते थे, इलाका तो बहुत ज़्यादा है, हमने वो फिरा है, हर ठिकाने को चेक किया है, और उनके खुरे जिधर जिधर जाते थे, उनका ब्लड जिधर जा रहा था उधर उधर हम चलते रहे हैं, तो वो निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन हमें बंदों का पता चल गया, उस गैंग का पता चल गया, उस पर हमने फिर रेडिंग शुरू कर दी। IG साहब ने, RPO साहब ने हमें उधर ही जो है, अभी हम इन एक्शन ही थे उधर ही थे ऑपरेशन के दौरान ही हमें शाबाश दी है, हमारे काम को सराहा है, और हमें मज़ीद हौसला अफजाई दी है, और हम उस हौसला अफजाई में मज़ीद हमने सर्च की, मेहनत की, और अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी। वो ऐसा गैंग बड़ा ब्रस्ट हुआ है, अब तक हम काफ़ी मुजरिम उनके पकड़ चुके हैं, और काफ़ी पकड़ने वाले लगे हुए हैं, और बाकी डिस्ट्रिक्ट भी IG साहब ने उनके पीछे लगा दिया हुआ है, काफ़ी पकड़ लिए हैं। उसमें हमारे हौसलाबर जो है, हमारे तकरीबन गुजरांवाला डिवीजन और ये ओकाड़ा डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन की जो हौसलाबरी थी, जहाँ जिसमें 17 बंदे 15 बंदे आते थे या 20 बंदे आते थे, वो शुक्र अल्लाह का वो ब्रस्ट हुआ गया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसमें पब्लिक ने भी हमें बहुत सराहा है, बहुत हमारी अप्रिशिएट हमें किया है, महकमे ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, और हमारा उस वक्त का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे इधर उस तरह का वाकया दोबारा नहीं हुआ। मैं यही इसमें अब एक मैसेज भी देना चाहता हूँ आपकी विसात से, कि जब भी कोई इस तरह की हालत कोई लोग देखते हैं, पब्लिक को कहीं से कंप्लेंट आती है, तो प्लीज़ हमें पुलिस को लाजमी शेयर करें,
उस बात का बताएं कि ये हमने देखा है या सुना है या महसूस किया है, ताकि हम पे हम उस पर मेहनत कर सकें, फौरी एक्शन ले सकें और कोई होने वाले वाक़े को रोक सकें। अल्लाह ताला मेरा और आपका मेहनत से शुक्रिया।